तबलीगी जमात के लोग अभी भी शासन प्रशासन व उलेमाओं की अपील के बावजूद जांच कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पिनगवा पुलिस ने डूंगेजा गांव में छिपे तकरीबन 7 जमातियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने की शिकायत ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO मोहन सिंह ने दी है। आपको बता दें कि पिनगवा पुलिस ने डूंगेजा गांव के सरपंच, समस्त मेंबर पंचायत, नंबरदारों का भी शासन प्रशासन के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज किया है। लिहाजा कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में इन लोगों ने बड़ी लापरवाही की है, लिहाजा इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। BDPO की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 307, 120 इत्यादि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। रतनलाल SHO ने FIR की पुष्टि करते हुए कहा है कि 7 जमातियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अभी अगर कोई तबलीगी जमात का सदस्य छुपा हुआ है, उससे अपनी जांच नहीं करवाई है, लिहाजा खुद पहल करते हुए जांच कराएं या पुलिस के पास आएं। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए छिपना बेहद गलत है, लिहाजा तबलीगी जमात से जुड़े लोग बिना किसी डर के सामने आकर अपनी जांच कराएं। इसी में अपनी, अपने गांव व इलाके की भलाई है। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट हैं, उन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर डूंगेजा के सरपंच खुर्शीद, पंचायत मेंबर और पंचायत मेंबर सरपंच और 7 जो व्यक्ति थे जो तब्दीली जमात से आए थे और जो उन्होंने इस बात को छुपाई कि भाई हम जमात में थे, तो उस इन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। इसमें लॉकडाउन के धारा 188, 269, 271, 372, 307, 120 के तहत किया गया। ये लोग जमात से आए हुए थे, सरपंच ने ना थाने में सूचना दी, ना किसी तरह हमको दी, ना इन लोगों ने दी। और जबकि इस महामारी में सबको ये स्पष्ट था कि कोई भी जिस पे सरपंच या पंचायत मेंबर या जिनको कोई भी गांव में कोई बाहर से व्यक्ति आता है और तब्दीली जमात में तो ज़्यादातर लोग पॉजिटिव मिले हैं, तो उसने इस बात को जानबूझकर छिपाकर खुद का भी मतलब और औरों का भी जीवन खतरे में डाला। क्योंकि अब उनको इलाज के लिए ये वहाँ रखा हुआ है, जब वहाँ इलाज से उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जब छुट्टी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जो तबली जमात में गए थे उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव आती है तो गांव के सारे गांव का वो किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। मैं सभी हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम पंचायत सरपंचों और जो गांव के लोग हैं, अगर कोई सच्चाई छुपाएगा और अब खुद का तो डालता ही है, दूसरों का भी अगर ऐसे जीवन संकट में डालेगा और महामारी फैलने का कारण बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरपंच वगैरह और ये सभी हैं, क्या नाम है आपके, आगे बताएं हमको, और नहीं बताता है और छुपाता है तो वो भी जिम्मेदार हैं बराबर। तो आगे अगर अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो छुपे हुए थे और जो नहीं बता पाए थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो तो बस तुरंत आए और बताएं और अपना इलाज करवाएं और अपनी जाँच करवाएं।